हेलो दोस्तों, स्टडी बॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम एंगुलर सिक्स प्रॉपर्टी बाइंडिंग पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको याद होगा, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि हमारे पास दो तरह की बाइंडिंग्स होती है, इवेंट बाइंडिंग और प्रॉपर्टी बाइंडिंग। दोस्तों, इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें डेटा को ट्रांसफर करना होता है टेम्पलेट टू कॉम्पोनेंट या फिर कॉम्पोनेंट टू टेम्पलेट। तो आज हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इवेंट बाइंडिंग। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती क्या है? दोस्तों, प्रॉपर्टी बाइंडिंग एंगुलर की वो फीचर है जिसमें आप कंपोनेंट से किसी भी वैल्यू को फ्रंट एंड के एचटीएमएल पार्ट में या फिर यूं बोलिए कि टेम्पलेट में बाइंड करते हैं। इसकी जरूरत होती क्यों है दोस्तों? एक्चुअली जब हम अपना एंगुलर का कोड करते हैं, हमें बहुत बार ऐसी जरूरत होती है कि हम डेटा को रन टाइम पर बाइंड करें अपने टेम्पलेट पे, यानी कि वो हार्ड कोडेड नहीं होनी चाहिए। अगर हार्ड कोडेड होगी तो दोस्तों उसकी जो साइज होती है वो बढ़ते जाएगी और वो डेटा रिडंडेंसी नहीं होगी, इट मींस कि डेटा का रिपीटेशंस बहुत हो जाएंगे। तो उसको अवॉइड करने के लिए ये एक बेस्ट तरीका है और इससे आप सिंगल कोड को मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग होती क्या है? एक्चुअली प्रॉपर्टी से ये मतलब है कि आपका जितना भी टैग्स होते हैं, जैसे कि HTML H1 P इमेज HF एंकर टैग, जितने भी टैग्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी होती है, आपको उस प्रॉपर्टी में बाइंड करना होता है वैल्यू। ठीक है दोस्तों, और प्रॉपर्टी बाइंडिंग के साथ हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इंटरपोलेशन। तो दोस्तों, इंटरपोलेशन हम नेक्स्ट देखेंगे, पहले हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उससे बाइंडिंग से पहले हमें वे ऑफ बाइंडिंग जानना बहुत जरूरी है। एक होता है वन वे बाइंडिंग और एक होता है टू वे बाइंडिंग। वन वे बाइंडिंग मतलब कंपोनेंट से टेम्पलेट की तरफ ही जाएगा डेटा या फिर टेम्पलेट से कॉम्पोनेंट की तरफ, और एक होता है दोस्तों जहां पर वाइस वर्सा दोनों एक साथ काम करेंगे, वो हम बाद में पढ़ेंगे। दोस्तों, इंटरपोलेशन होता क्या है? इंटरपोलेशन कुछ नहीं होता है, आपका जो वेरिएबल होता है उसको डायरेक्ट डिस्प्ले कराना होता है टेम्पलेट में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग करते हैं हम। उसका जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग का जो कोड है वो ऐसा होगा, आपका प्रॉपर्टी का नाम जो वेरिएबल नेम रहेगा। ठीक है, ये है, ये आप देख रहे हो और ये आप देख रहे हो डेटा बाइंडिंग। ठीक है, तो ये उधर प्रॉपर्टी यूज करके उसका बाइंडिंग करना और ये इंटरपोलेशन। दोस्तों, इंटरपोलेशन के लिए हमें डबल कर्सी का यूज करना पड़ता है, उसके अंदर अपना वेरिएबल का नेम रखना पड़ता है। तो बेटर दोस्तों हम प्रैक्टिकल करें। तो दोस्तों, ये मेरा एंगुलर का कोड है। तो अगर मैं यहां पर एक इमेज आपको दिखाता हूं, IMG SRC उसकी प्रॉपर्टी है इक्वल टू, और यहां मैं विड्थ ले लेता हूं 100%। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास एक इमेज का लिंक है। देखिए दोस्तों, मैं इसको कॉपी करके सीधा SRC में डालता हूं, तो आप देख सकते हो मेरा इमेज यहां पर आ जाएगा अभी। ठीक है, ओके। बट दोस्तों, ये तो स्टैटिक हो गया है, मतलब कि इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हो, करेक्ट? इसको चेंज करने के लिए आपको प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करनी पड़ेगी। और आप बोलोगे क्यों चेंज करना है? सपोज दोस्तों, एज पर यूजर मुझे उसका इमेज चेंज करना है, तो मैं कितना यूजर और कितना इमेज बार बार लिखूंगा इमेज का कोड, तो इसलिए एक ही बार लिखेंगे और SRC में एज पर डेटाबेस पैथ हम इसको चेंज करते जाएंगे। तो हम इसको करेंगे कैसे दोस्तों? एक्चुअली हमारे पास इमेज का वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल मैंने स्टोर कर लिया है, इस वेरिएबल को हम असाइन करेंगे प्रॉपर्टी बाइंडिंग में। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के लिए आपको स्क्वायर ब्रेसेस लेनी होती है SRC, और यहां पर आपका जो वेरिएबल है उसको असाइन करना पड़ता है। IMG डाल दिया मैंने। दोस्तों देखिए, ये आ गया। तो आपका जैसे जैसे वहां पर आप जो भी पाथ चेंज करते जाएंगे, यहां पर वो ऑटोमेटिक यहां भी चेंज होता जाएगा, तो वो एक बार में आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग हमारे पास बहुत सारे, जैसे इनर HTML है, फिर से अपने पास वैल्यू है, टाइटल है और HRF है। तो ये सब का इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं दोस्तों कि कैसे होता है। दूसरा बात था दोस्तों, हमने देखा था इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन कुछ नहीं है, जैसे कि मैंने हमें यहाँ पर एक डाल देता हूँ वैल इक्वल टू हेलो। तो ये हो गया मेरा एक वैल्यू, तो इसको मुझे डिस्प्ले कराना है विदाउट प्रॉपर्टी। यहाँ कोई किसी प्रॉपर्टी का यूज नहीं करने वाले हैं, हम डायरेक्ट एक वैल्यू डालने वाले हैं। तो हम जैसे कि पी टैग ले लिए दोस्तों, बिना पी टैग का भी ये काम करेगा, और डबल करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और बीच में आपको आपका नाम डालना है उस वेरिएबल का, तो वैल।
दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर वो वैल्यू आ गया, तो इसको इंटरपोलेशन बोलते हैं। इंटरपोलेशन में दोस्तों डेटा सिर्फ वन वे बाइंड होती है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग में भी यहाँ पर हम वन वे डेटा बाइंडिंग ही दिखाए हैं आपको, ये मतलब कि TS टू HTML आ रही है। तो ये होता है प्रॉपर्टी बाइंडिंग, जिसमें हम TS में जो डिफाइन किया गया होता है वेरिएबल उसको हम बाइंड करते हैं HTML में, ये वन वे होती है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे दोस्तों किस तरह से इवेंट बाइंडिंग करते हैं, जो इसका वाइस वर्सा होता है HTML से TS। थैंक यू दोस्तों।